और आज के डेट में ब्लॉग चैनल सबसे ज्यादा ओपन होता है, पता क्यों? सबसे पहले मनोज दे से शुरुआत करते हैं। मनोज दे, प्लीज गो ऑन स्टेज एंड जस्ट फायर ब्रो। नेक्स्ट चुन्नू की टैग, इसके लिए कहना चाहूंगा यार, छोटा भाई है, जब आया मिला तो ऐसा क्रिएटर मिला, लेकिन धीरे धीरे छोटे भाई की तरह मिला। Minds Not Support Lifetime Achievement Award for Breathtaking Work. YouTube वाले बाबा जी, वेलकम। डिसिप्लिन मेन चीज है ना, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट। अब स्टार्ट होगा महाकुंभ, बाबा जी का आशीर्वाद। सो एक वीडियो है जो हम प्ले करना चाहेंगे। पीछे मैंने अपनी टीम, जो वीडियो प्ले हो जाए तो बताना है सबके लिए। एक से एक धुरंधर बैठे हैं, या तो YouTube पे कोई सवाल हो तो उसका आंसर मिल जाएगा, कोई भौकाल हो तो उसका न्यूज मिल जाएगा, है ना। कुछ यूथ रिलेटेड कोई मस्ती मजाक चाहिए तो यहाँ पे उमेगल हमारे भाई बैठे हुए हैं, आदर्श भाई, मैक्सन बैठे हुए हैं खतरनाक कंटेंट के साथ, और CA सतीश गोयल जी मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं और एजुकेशन में बहुत बड़ा है। सर आज हम यहाँ पे 50 माइक गिव अवे करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले मनोज दे से शुरुआत करते हैं। मनोज दे, प्लीज गो ऑन स्टेज एंड जस्ट फायर ब्रो। बस वही करना जो हम YouTube पे करते हैं। कमाई कमाई, खुलासा खुलासा। आज भाई मनोज दे एक बार सब कोई मेरे लिए हल्ला करो तो मनोज दे जिंदाबाद। भाभी को भी बुला देते हैं तब से। भाभी भाभी भाई बिगड़ा हो तो भाभी भाभी के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका, एंड थैंक यू सो मच अमरेश भारती सर जी का, जिन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया कि आप सबसे मिल पाए, इतना बड़ा स्टेज दिया, तो थैंक यू सो मच आप सबका। इतना ज़्यादा प्यार सुबह से आया तब से भाभी भाभी कह रहे हैं। मुझे पता है ये चीज़, सब कोई को एक सपना है कि यूट्यूबर बनना है, सबका यूट्यूब चैनल होगा, भले किसी का कम सब्सक्राइबर हो ज़्यादा हो, बट हाँ क्रिएटर है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे एक थोड़ा सा ज्ञान की बात करूँगा। जैसे अभी आदर्श भाई हमारे आए थे, आदर्श आनंद, बहुत मजा आया ना सबको उनका ये परफॉर्म देखने के लिए, है ना, बहुत मजा आया। और मैं आपको बता दूँ, सॉरी मैं बेटा कर रहा हूँ, जब आपने मजा बोला है तो उनका 3 मिनट का मजा फिर आएगा। चलिए फिर से आएंगे, ठीक है। तो वो क्या किए कि अपना जो उनका टैलेंट है उसी को दिखा करके आप लोग एंटरटेन किए हुए हैं। अभी क्या होता है कि मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे क्यों आते हैं कि उनको चाहिए पैसा। अब वो कैटेगरी चूज करता है कि ऐसा कौन सा कैटेगरी होगा भाई जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा। अब वो पैसे के चक्कर में क्या करता पता है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है या फिर उसके अंदर जो टैलेंट है उसको वो नहीं करता। जैसे कि आदर्श आनंद भाई का वो टैलेंट था, वो उसी चीज़ को फॉलो करते आए हैं शुरू से, यहाँ तक कि मैं बता दूँ उनके 10 वीडियो में 9 वीडियो पे कॉपीराइट रहता है, क्योंकि वो सॉन्ग को काफ़ी यूज़ करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। तो लेकिन वो अगर पैसे को देख करके वो चीज़ नहीं करते, वो ब्लॉग चैनल खोल लेते हैं, हे गाइस सुबह हो गया मैगी बना रहे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना, है ना। वो अपने पैशन को फॉलो किए, अपने इंटरेस्ट को फॉलो किए। और भाई भाई किसको टारगेट कर रहे हो? आपको, आप ही तो मैगी बनाते हो भाई। कभी नहीं बनाता हूँ। हेलो गाइस, ये देखिए, समझ गए आप किसको टारगेट कर रहे हैं? न्यूज़ भी आ जाएगी, ये देखिए न्यूज कवर करने वाले भी यहीं पे हैं, दोनों खड़ा हो गए, न्यूज मैन एंड न्यूज बॉय। मैंने जान बूझ के मुझे पता चल गया किसको टारगेट किया जा रहा है, वैसे टारगेट नहीं था, वो ऐसे बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा था। मतलब बहुत कोई देख करके कॉपी करने लगता है ना, इसलिए मैं उसके जैसा ही ब्लॉग चैनल खोल लेता हूँ। और आज के डेट में ब्लॉग चैनल सबसे ज्यादा ओपन होता है, पता क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो दिमाग लगाना है नहीं भाई, फोन उठाया सुबह हो गया गुड मॉर्निंग गाइस आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा आसान लगता है सबको करने में। लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आज के डेट में उसी चीज़ पे,
क्योंकि देखो सबका फोन जिस जहाँ जहाँ चल रहा सब ब्लॉगर है ना, तो ट्राई करो भाई कुछ ऐसा कैटेगरी का चैनल खोलो, कुछ अलग करने की ट्राई करो जो आपके अंदर में ऐसा कुछ हो जो आप कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन पैसा तो ब्लॉगर ही कमा रहा है सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है भाई, लेकिन वो प्रूफ आया ना पैसा कमाने वाले पूरा अर्निंग दिखा देते हैं भाई अपना वाईटी स्टूडियो क्रिएटिव स्टूडियो खोल। आप क्यों नहीं दिखाते हैं, डर लगता है क्या आपको? मैं बता देता हूँ, मैं नहीं दिखाता हूँ, आप तो दिखा दिए हो ना भाई मेरा। ये बात सही है, आई कमाते हैं ना, इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। अच्छा पंगा ये है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मनोज दे का कि जब हमने इस इवेंट की शुरुआत करी और जब मैंने इनसे रीच आउट करा दिल खोल के इन्होंने इसका समर्थन दिया। वो डिसिप्लिन मेन चीज़ है ना, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली अगर वीडियोस वगैरह अपलोड करोगे तो डेफिनेटली चलेगा। तो मोटिवेशन ये सब चीज़ें टेम्पोरारी होता है, थोड़े टाइम के लिए बूस्ट आपको मिलेगा कि हाँ मुझे मतलब करना है करना, बट उसके बाद फिर डिसिप्लिन ही आ जाता है, कंसिस्टेंसी ही आ जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर भी कंसिस्टेंसी, सिर्फ यूट्यूब नहीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल सारे यूट्यूब पे लगे पड़े, बट नहीं इंस्टाग्राम पर भी अच्छे खासे कमा रहे लोग, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब प्लेटफॉर्म पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। थैंक यू ज्ञानी बाबा, कंटेंट बनाने में सीरियसली तभी एक्सयूवी आती है। चलो ग्रेट भाई, नेक्स्ट चुन्नू की टैग। इसके लिए कहना चाहूंगा यार, छोटा भाई है, जब आया मिला ऐसा क्रिएटर मिला, लेकिन धीरे धीरे छोटे भाई की तरह मिला, जो बोला हाँ भैया, इन्होंने भी वैसे ही जैसे योगी जी बड़े भाई की तरह इधर वाले को राइट इधर वाले को लेफ्ट, वैसे ही ये इधर को राइट इधर को लेफ्ट। थैंक यू सो मच। आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल आपने पहले टिकटॉक पे आपका चैनल हुआ करता था, फिर आपने उसे यूट्यूब रिलेटेड कॉन्टेंट बनाया, बड़ी मुश्किल लगी आपको, लेकिन आपने अपनी जगह तो बनानी, वो दिखता है आज आपने है ना कि आपने जगह बनाई, ये बनाने में शिफ्टिंग में कितना समय लगता है? थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, और सीरियसली हक करने का मन कर रहा है एक बार। जोरदार तालियां एक बार चुन्नू की टैग के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा चैनल 7 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद बिल्कुल डेड हो गया था, जहाँ पे 7 लाख सब्सक्राइबर और सोच कर देखो 2000 या 1000 व्यूज मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे कैसे खड़ा हूँ उसके पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो भाई मेरा कंटेंट होता था जो टिकटॉकर्स होते थे उनको मैं बताता था कि कैसे आप वीडियो बना सकते हो, कोई भी ट्रेंड आता था तो मैं कोशिश करता था सबसे पहले बताऊं कि बस व्यूज तक। तो मैं सबसे पहले टिकटॉक का ट्यूटोरियल देता था।